नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आपने अभी तक सुना होगा कि ग्रामीण कंट्रोल संचालक की शिकायत करते घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि शिकायत होती है संचालक उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन यह मामला कुछ और है। मावन से आए निवासियों का कहना है कि उनके यहाँ कंट्रोल संचालक समय पर कंट्रोल खोलता है, वहीं उन्हें राशन का सामान भी समय पर ही उपलब्ध कराता है। इसके विपरीत मावन पर स्थित कंट्रोल की दुकान को पगारा शिफ्ट किया जा रहा है। यदि मावन की कंट्रोल को पगारा स्थापित किया जाता है तो मावन में रहने वाले कई लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सभी लोग दैनिक मजदूर हैं। नमस्ते जी, हमारे गांव कंट्रोल है ना, पगारा जा रही थी, वो हम गांव गांव में चाहते हैं, बढ़िया हमें टाइम टेबल से मिल रही है सामान। अच्छा। राशन पानी तो उधर से जा रही है पगारा, और क्या किसी ने शिकायत कर दी कि जहाँ पे तो मिल नहीं दिया, मिलता है सब कंट्रोल चेंज कर रहे हैं क्या, और कोई करवा रहा है वो तो चाहते हो कंट्रोल वहीं रहे, वहीं की वहीं रहे कंट्रोल वहीं रहे। पगारा जाने में कंट्रोल दिक्कत आएगी आपको, बहुत दिक्कत आती है, वहाँ पे मजदूर आदमी है, हम कैसे लेने जाएंगे। इधर पे टाइम टेबल तो सब मिल रहा है, सब टाइम टेबल मिलता है बिल्कुल। छह मई को आयोजित मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत किए गए निकाह के बाद आज सामान का वितरण किया गया। बता दें कि गोपालपुरा में सामूहिक निकाह सम्मेलन के दौरान 140 लोगों के निकाह पढ़ाए गए थे, जिनमें से 44 लोगों को मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत निकाह पढ़ाया गया था। इन 44 जोड़ों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा दिए गए 11 लाख रुपए का आवंटन भी किया गया। मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के तहत 6 मई 2018 को दशहरा मैदान केंट गुना पर मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में लगभग 140 जोड़ों के विवाह किए गए थे। उस विवाह में, उस समारोह में 44 जोड़े मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के तहत स्वीकृत हुए हैं, जिनको मध्य प्रदेश शासन ने 11 किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को समर्थन दिया अखिल भारतीय किसान सभा ने। बता दें कि 1 जून से 10 जून तक आयोजित किए जाने वाले प्रदेश स्तरीय किसान आंदोलन को समर्थन देने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। वहीं किसान सभा के योगेंद्र शर्मा ने बताया कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं। वहीं सरकार हमेशा किसानों के साथ ही भेदभाव करती आई है, चाहे मामला शक्कर कारखाने का हो या भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों की फसल खरीदी का, या फिर म्याना को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने वाला। इन सभी मांगों को लेकर किसान सभा ने प्रशासन को 6 जून तक का समय दिया है। यदि समय अवधि में किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो किसान सभा उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। मंडियों में आपने भी देखा होगा, खड़े हो गए आप, किसान पड़े हुए हैं। हम यहाँ दशहरा मैदान पे कूलर वूलर लगवा दिए थे, विद्युत मंडल वाले चले लाइन काट लेंगे। नया दोस्त की अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा आज जो हड़ताल चल रही है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो मूवमेंट है, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा समर्थन करती है और किसानों की वास्तविक जो समस्याएं हैं उनका निराकरण की मांग करती है, जिसके तहत आज गुना के अंदर आपने देखा होगा कि शक्कर कारखाने में करोड़ों रुपए किसान का गन्ना के बेचने के बाद भी नहीं मिल पाया उनको। साथ में भावांतर योजना के अंतर्गत मंडी में लोगों को परेशान होना पड़ा, ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही वहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था है, साथ में लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात रात भर 3-3 दिन पड़े रहते हैं, वो पैसा भी समय पर नहीं मिल रहा है। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो लागू करना था आज तक नहीं की गई है। म्याना के अंदर 2008 में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जो कि अपने आप को बहुत बड़े किसान के बेटे बताते हैं और घोषणा तीर हो रहा है वो कुल मिला के ये है, तो उन्होंने जो म्याना के अंदर घोषणा करी थी कि म्याना के अंदर नगर पंचायत बनाई जाएगी, परंतु आज तक नहीं बनाई गई है। इन सब का हम विरोध कर रहे हैं। 6 तारीख तक अगर ये समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो अखिल भारतीय किसान सभा धरना देकर उग्र आंदोलन।
राजगढ़ सांसद रोनमल नागर ने मोदी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता के माध्यम से सरकार के गुणों का बखान करते हुए भी नजर आए। उन्होंने बताया कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब तक प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा पर दाव पर लगी हुई थी। वहीं लोगों के बीच तरह तरह की भ्रांतियां भी उस पद को लेकर फैली हुई थी जो कि अब समाप्त हो गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के फूलों की माला न पहनने के प्रण पर बोले कि ऐसा है तो किसानों के कभी भला नहीं हो सकता। महिलाओं के बढ़ते अपराध पर रोनमल नागर ने कहा कि मोदी सरकार ने कई सारे कानून बनाए हैं जिनसे महिला अपराधों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि लगातार कानून बनने के बाद भी महिला संबंधी अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है तो इस पर वे बगले झांकते नजर आए। साथ ही जब उनसे कहा गया कि गुना चिकित्सालय को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय होने का दर्जा दिया गया था, वहीं दूसरी ओर गुना को पिछड़ा चिकित्सा व्यवस्था में रखा गया था, तो इस पर भी वे सही से जवाब नहीं दे पाए। जब रोनमल नागर अपना उद्बोधन दे रहे थे वहीं पास में बैठे क्षेत्रीय विधायक पन्नालाल शाह के ऊँगते नजर आए। या तो विधायक महोदय पहले से ही काफी थके हुए थे या फिर रोनमल नागर के उद्बोधन ने उन्हें नींद लाने पर मजबूर कर दिया था। वैसे आम आदमी के मन में एक विश्वास का भाव पैदा होता है कि हाँ विश्वास होगा। जब पहली बार सरकार बनी थी तो एक विकल्प के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना था सरकार को कि भाई कोई ना कोई विकल्प चाहिए, उसने विकल्प के रूप में चुना था। लेकिन आज वो विकल्प एक विश्वास के रूप में बदला है। हाँ ये लोग हैं, ये टीम है जो देश का भला कर सकती है। अभी हम देख रहे हैं देश में एक वातावरण बना, कई प्रकार से लोग प्रश्न प्रतिप्रश्न कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवी समाज जो लोग समझते हैं वो सब सामने आ रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं कि नहीं टीम तो यही चाहिए। अब इतना लोग लाभ ले रहे हैं, नेशनल हाईवे सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क। जब मोदी साहब आए थे सरकार 2014 के पहले तो 56% गांव में गांव तक अप्रोच थी सारी सड़कों का, आज 82% गांव तक अप्रोच हो गई है। वो मजरे टोले बचे हैं 18% जो 200 इसकी आबादी के नीचे हैं। अत्याचार को लेकर के हमारी सरकार ने जबरदस्त कानून बनाए हैं। 12 साल की बच्ची के साथ में अत्याचार होगा उसका कानून, 5 साल की बच्ची के साथ में अत्याचार होगा उसका कानून, महिलाओं के संरक्षण के लिए इतने कानून बनाए हैं सरकार ने जो आप सबको पता है। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि ये कैसे कम हो। लेकिन कानून बनने के साथ ही अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं अत्याचार बढ़ रहे हैं उसकी कार्रवाई हो रही है ना, पहले तो कार्रवाई होती नहीं थी, नगण्य कार्रवाई होती नहीं थी, प्रकाश में नहीं आते थे, रिपोर्ट ही नहीं लिखते थे लोग। आपको जानकारी होगी कि बक्सा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं देगा। ये महागठबंधन के खिलाफ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का क्या स्टेप होगा, क्या रणनीति बनाएंगे आगे कुछ? देखिए कोई महागठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, ये लंबे समय चलने वाले नहीं है। कौन इनका नेता होगा, कौन इनका प्रधानमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, कोई कुछ भी कहना नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, ये देश, इस देश में पॉलिटिक्स ये होनी चाहिए कैडर बेस, लेकिन है लीडर बेस। और आज लीडर देश का केवल नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। गरीब लोग ये बनावटी नाराजगी है, उनका कोई किसान है आने के बाद में सामान बेच, किसान जो फसल बेचता है। पंडित बात कर लंडन पंडित जी, अरे किसान एक मिनट, किसान कोई नाराज नहीं है, ये कांग्रेस का एक षड्यंत्र है जो एन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। किसानों के लिए जितना इस सरकार ने किया है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भला कोई किसान अपना दूध निकाल करके सड़कों पर फेंकने के लिए आता है? अरे दूसरे का दूध छुड़ा करके गुंडे बदमाश सड़कों पर फेंक रहे हैं, किसान बिल्कुल नाराज नहीं है। प्रायोजित थी किसानों की मांग प्रायोजित थी वो। भाई साहब किसकी पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि लगातार हो रही है, उसमें उसको लेकर क्यों रियायत नहीं ला पा रही है? पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि समय समय पर होती रही है। 2014 के पहले भी पेट्रोल 73 रुपए, जब सरकार ये आई तब 73 रुपए था, 73।
और 80 के लगभग ये भी कुछ की घटना आपने बताया प्रायोजित थी। देखिए कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने अपने सबके स्टैंड हैं, अपनी अपनी सबकी आयरता है, अपने अपने सबकी मजबूरियाँ हैं, वो पारदर्शी है। आपकी सरकार है 22 राज्यों में, फिर डीजल पेट्रोल कितनी महंगाई की? मैंने कहा डीजल पेट्रोल पहली बार महंगा नहीं हुआ, जब 2014 में केंद्र में सरकार आई थी उस समय भी पेट्रोल 73 रुपए था। ये क्रम है, ये चलता रहता है। कलेक्टर गुना ने खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण, साथ में चल रही समर्थन मूल्य पर चना सरसों मसूर के खरीद केंद्रों की व्यवस्था की जानकारियां भी ली। साथ ही सामंजस्य बिठाने के लिए जिला कलेक्टर विजय दत्ता ने नोडल अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इसके बाद आरोन कृषि उपज मंडी में विपणन सहकारी संस्था एवं सेवा सहकारी संस्था समिति द्वारा संचालित खरीद केंद्रों पर गुना कलेक्टर विजय दत्ता ने अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी के मैं दल के पहुंचे, साथ ही खरीदी केंद्रों का जायजा भी लिया और किसानों से चर्चा की। किसानों ने चर्चा के दौरान अवगत कराया कि समर्थन मूल्य केंद्रों पर काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जल्द तुलाई के नाम पर पौरा गांव के किसानों से 300 रुपए की मांग की जा रही है, जिसे सुनने के बाद अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी को निर्देशित किया कि तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी व्यक्ति दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 300 रुपए मांग रहा है सर जी, एक ट्राली 300 रुपए मांग रहा है। खाली कांटी रखे, कांटी रखे, खाली 300 रुपए लगते खोल लीजिए और चलो खा रहे अगर शिकायत सही है तो, अगर फर्जी वाड़े दिखाने के लिए शिकायत कर रहे हैं तो कोई काम नहीं, तो वो सही शिकायत पाई गई है तो तुरंत उसमें जांच करो और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, आरुण से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। बढ़ सकती है पूर्व कैंट थाना प्रभारी की मुश्किलें। पूर्व कैंट थाना प्रभारी ने जिसे लूट का आरोपी बनाकर बेरहमी से पीटा था, वह निकल सकता है बेकसूर। कैंट थाना क्षेत्र में नानाखेड़ी में विगत मार्च माह में मुनीम के साथ हुई 8 लाख की लूट के मामले में कैंट के पूर्व टीआई आशीष सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस लूट को लेकर टीआई लाइन अटैच हुए थे, वहीं एक व्यक्ति का इलाज इंदौर में किया जा रहा था एवं कुछ अन्य आरोपियों को भी जेल भेजा गया था। उसी लूट में एक बड़ी सफलता शिवपुरी पुलिस को हासिल हुई है। आज एसडीओपी कोलारा सुजीत सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें थाना प्रभारी इंदार गोपाल सिंह चौबे, प्रवीण त्रिवेदी, नरेंद्र जाट, राजपाल शैतान सिंह, उमेश सिंह आदि ने तेंदुआ के लूट के साथ गुना में मार्च माह में हुई नानाखेड़ी की लूट का भी पर्दाफाश किया। विश्वस्त सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार शिवपुरी के जिले तेंदुआ थाना क्षेत्र में विगत दिनों एक लूट की वारदात हुई। लूट की वारदात को सुलझाने के लिए शिवपुरी से गोपाल चौबे को कमान सौंपी गई थी। चौबे के नेतृत्व में लूट की वारदात को गुना जिले के ग्राम बमोरी के सतीश धाकड़ पुत्र पुरुषोत्तम धाकड़, उकावत कला थाना बमोरी, दूसरा आरोपी राजेश धाकड़ पुत्र सीताराम धाकड़, रिछाई थाना म्याना
मुख्य आरोपी नंदू उर्फ नंद किशोर पुत्र प्रेम नारायण धाकर ग्राम जतारा थाना बदरवास को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों से पूछताछ में तेंदुआ की हुई लूट का खुलासा तो हुआ ही, साथ ही नाना खेड़े में हुई 8 लाख की लूट के मामले का भी खुलासा हो गया। लूट के दौरान उपयोग में लाई गई लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर जो की लूट की वारदात में उपयोग की गई थी उसे भी पुलिस ने बरामद किया। और आरोपियों को होटल के कैमरे में कैद हुए फोटो से मिलान करने पर भी तेंदुओं के लुटेरों के फोटो मिलान हो गए। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि नानाखेड़ी लूट में भी इन तीनों ही आरोपियों का हाथ है। कैंट पुलिस इस पे शोपेश में है कि आगे करें तो क्या करें। कानून के जानकार बताते हैं कि अब तेंदुआ पुलिस के पकड़ में तीनों आरोपियों को गुना लाकर पूछताछ की जा सकती है, जिससे इस मामले की और परतें भी खुल सकती हैं। डीजाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।